इन तस्वीरों को देख लीजिए। वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी का जादू देख लीजिए। वृंदावन के प्रेमानंद महाराज को लेकर आपने भक्तों का अपार प्यार तो बिल्कुल देखा होगा। अब सोशल मीडिया से लेकर उनके भक्त सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रेमानंद महाराज जूते क्यों पहनते हैं। वृंदावन के कुछ भक्तों का मत है कि अधिकतर संत तो नंगे पैर वृंदावन की रज में चलते हैं। उन्हीं भक्तों के सवाल को लेकर हमारी टीम ने राधा केली कुंज में बात की। उसके बाद हमने इसका आकलन किया कि देश के जाने माने डॉक्टर इसको लेकर क्या कहते हैं। सुनिए सबसे बड़े पैनल के सबसे बड़े डॉक्टरों की राय इस पर क्या है। देखिए, जहाँ तक आपने किडनी की बात है तो देखो, किडनी जो हमारी है बहुत ही हमारे एसेंशियल ऑर्गन है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। अगर किसी की दोनों किडनीज में ख़राब हो जाती हैं और उसका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, वो 5-6 से ऊपर बढ़ जाता है, सीरम क्रिएटिनिन एक ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें पेशेंट को हम क्रोनिक किडनी डिसीज़ का डायग्नोसिस देते हैं, या उनको हम बोलते हैं उनको कि एंड स्टेज किडनी डिसीज़ हो गई है। तो उसमें डायलिसिस ही इलाज है, कि जब किडनी हमारी ख़राब हो जाती है तो जो हमारा मल मूत्र है वो बाहर नहीं निकल पाता, उससे हमारा शरीर खराब होना शुरू हो जाता है। उसका कोई और इलाज नहीं है, उसको रेगुलर नेफ्रोलॉजिस्ट की सलाह से डायलिसिस किया जाए। वो डायलिसिस महीने में एक बार भी होता है, कभी महीने में 2 भी करना पड़ता है, कभी हर हफ्ते भी करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो क्रिएटिनिन है वो कितना बढ़ जाता है। तो इसमें कोई अटरम पटरम या दूसरे कोई इलाज नहीं हो सकते हैं, उसका डायलिसिस कराना ही इलाज है। और अगर कुछ और इलाज होता है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट, यानी कि किडनी दूसरा कोई परिवार का सदस्य दे, तो हम डायलिसिस से बच सकते हैं। अदरवाइज़ जब तक किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होता है तब तक सिर्फ डायलिसिस ही इलाज है। दूसरा, जहाँ तक बात है कि इन लोगों को जूता पहनना नहीं पहनना, इन बातों का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन ये सच है, जो ये किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको डायलिसिस मिल रहा होता है, इनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे लोगों को अलग रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उनको बार बार कोई भी इन्फेक्शन हो जाएगा, पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, सांस का इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इनको एक अलग रखना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जहाँ तक बात है कि अब चूंकि मुझे नहीं मालूम कि जो वृंदावन के महाराज जी हैं उनका कितना एक्चुअल स्टेटस है, तो मैं कहूँगा कि वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के टच में रहें और उनकी सलाह को सख्ती से फॉलो करें, अलग से रहें ताकि उनको इन्फेक्शंस ना हो। बाकी जो डाइट है उनको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह नहीं लेने चाहिए। अगर ये सलाहें फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी लंबी भी चल सकती है, और अगर किडनी ट्रांसप्लांट का इंतजाम हो जाए तो पेशेंट का जीवन काफ़ी हद तक वो अच्छा हो सकता है। जाहिर है कि जवाब बिल्कुल साफ़ है, इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, मिट्टी शरीर को नुकसान दे सकती है, किसी के हाथ लगने से भी दिक्कत हो सकती है। यही वही कारण है कि जो प्रोटोकॉल के नियमों से प्रेमानंद महाराज जी को बांधे रखता है, इसलिए महाराज जी जूते भी पहनते हैं और लोगों को सलाह भी देते हैं कि वो उनको ना छुएं। इसलिए आप सब निश्चिंत रहिए, जब तक श्री जी को सेवा करा ले सिंह की तरह दहाड़ते रहेंगे।